सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि लिफ्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से हजार्ड उत्पन्न होते हैं, उससे संबंधित क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को देखने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ए लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क, यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क क्या है, उससे संबंधित व्हाट इज़ ए हज़ार्ड यानी हज़ार्ड क्या है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ ए प्रिकॉशंस यानी प्रिकॉशंस क्या लेना है, और अंत में हम देखेंगे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी जॉब स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते समय। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ए लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क, यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, एवरी टाइप ऑफ लिफ्ट यानी किसी भी प्रकार के ऐसा कार्य जिसमें लिफ्ट यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना या किसी भी जगह से उठा के उसको किसी दूसरे जगह मूव करना, हम उसको लिफ्टिंग वर्क कहते हैं। लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्क साइकल्स लगते हैं, वायर स्लिंग लगते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, इसलिए हम इसको पूरा मिला के टूल्स और टैकल्स मिला के हम लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क। अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या एसोसिएटेड हजार्ड होते हैं, यानी इस काम को करते समय कौन कौन से हजार्ड से एक वर्कर को फेस करना होता है। तो सबसे पहला जो हजार्ड होता है वो होता है अनऑथोराइज्ड पीपल। अनऑथोराइज्ड पीपल यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को ही ऑथोराइजेशन दिया जाता है कंपनी या अथॉरिटी के द्वारा और दूसरा कोई जाके परफॉर्म करता है, वो होता है अनऑथोराइज, और उससे इंसिडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ओवरहेड पावर लाइन से भी खतरे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फायर होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं, क्रेन फेल्यूर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्रेन में मैकेनिकल फेल्यूर होने की वजह से भी इंसिडेंट हो जाती है, या कोई भी सस्पेंडेड लोड अचानक से गिर जाता है क्रेन फेल्यूर होने की वजह से, रिगिंग फेल्यूर यानी हम जब भी वायर सीलिंग से या किसी भी डिसाइकल से या किसी भी हम मैकेनिकल इक्विपमेंट से जब हम टाई अप करते हैं किसी भी लिफ्टिंग वर्क को या सस्पेंडेड लोड को, अगर रिगिंग फेल्यूर होती है तो भी इंसिडेंट हो सकती है। ओवरलोडिंग यानी 10 टन का क्रेन है और हम 15 टन का कोई भी वस्तु उठाते हैं तो भी इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मौसम अगर ख़राब है यानी तूफान आ जाए सडनली या सडनली भूकंप आ जाए और हम लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो भी इंसिडेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि हज़ार्ड हमने देख लिया, अगर प्रिकॉशन नहीं समझेंगे तो फिर अपने वर्क को हम कैसे इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना है। आपको प्रॉपर तरीके से किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के पहले आपको इक्विपमेंट को चेक करना है, प्रॉपर तरीके से चेक करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का डैमेज कट वगैरह तो नहीं है, कोरेशन वगैरह तो नहीं है। आपको क्रेन देखना है कि क्रेन आपका प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज है कि नहीं, उसके लेग्स खुले हुए हैं कि नहीं चारों, ये आपको चेक करना है। आपको क्रेन मूवमेंट के समय या किसी भी लिफ्टिंग गियर्स के मूवमेंट के समय कोई भी आसपास कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है यानी कोई अन्य पदार्थ तो नहीं है। आपको डेली रूटिंग में आपको अपने ऑपरेटर्स को इंटीमेट करते रहना है, और जब भी आप अपने वर्कर को यूटिलाइज करते हैं या किसी भी ऑपरेटर को यूटिलाइज करते हैं तो उसको आप वो क्वालिफाई है कि नहीं आपको चेक करना है। कौन सा क्रेन किस जॉब के लिए है आपको ये पहले से ही सेलेक्ट करना होता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं और उठाने के तरीके कौन से, ये आपको चेक करना है प्रॉपर तरीके से। और क्रेन के 75% ही आप क्रेन से लोड उठाएं, उससे ज़्यादा का लोड आप वेयर ना करें। अब हम एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है किसी भी वर्क में। तो उनका होता है कि प्रॉपर इक्विपमेंट जो होता है, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उससे देख के करने के लिए, लोड लिमिट और कैपेसिटी जो होती है वो किस प्रकार का है ये आपको चेक करना है, उसका रेडियस कितना है ये आपको चेक करना है, सेफ रिगिंग प्रैक्टिस, जो आपका फिटर हो उसे आपको सेफ रिगिंग प्रैक्टिस करना है और आपको इंश्योर हो जाना है कि आपने जो टाइप किया है वो प्रॉपर तरीके से है और सेफ है। ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर को प्रॉपर तरीके से डेली इंस्पेक्शन करना है अपने क्रेन को, अपने टूल्स को, अपने टैकल्स को, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है कि नहीं ये सब भी आपको देखना है। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस एट रेगुलर इंटरवल्स, जिस प्रकार हम किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से उसको देखते हैं, उसी प्रकार आपका फर्स्ट जॉब है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है कि नहीं आपके टूल्स और टैकल्स का, ये आपको चेक करना है।
और रेगुलर चेक करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।